दहेज के लिए फिर एक बार बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश की बेटियों को अपनी भांजी के रूप में देखते हैं, किंतु लगातार बेटियों के साथ प्रताड़ना और अन्याय थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला मनावर के गांधीनगर का है, जहां पर फिर एक बार दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के लोगों ने लड़की के साथ मारपीट की और मकान बनाने के नाम पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू के घर वालों से 2 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर बहू के साथ मारपीट और प्रताड़ना लगातार की जा रही थी, जिसकी शिकायत मनावर थाने पर की गई। पीड़ित पक्ष के लोगों की मांग है कि यथाशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही कर न्याय दिलवाया जाए। मनावर से लोकेन जाधव की रिपोर्ट। आपके पति का नाम? कहाँ के निवासी है? मनावर। ससुर जी का नाम? समशेर। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? मेरे साथ दहेज के बारे में लोग झगड़ा करते हैं, मारते हैं, मारपीट करते हैं, सास भी, ननद भी, हस्बैंड भी, सब बोलते हैं कि पैसे ला के दो, घर बनाना है, मांगो से मांगो, पापा से मांगो, रोज रोज मारा पीटी होती है और रात में गांजा पी के भी मारपीट करते हैं। और थाने में भी एक बार दर्ज किए, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी आपने क्या थाने से आपने क्या किया है? अभी आवेदन दिया है। अभी FIR नहीं हुई है? नहीं। क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं? केस लगाना चाहते हैं उनको, 3 जोड़ पे। किन किन पर? ननंद, सास और हस्बैंड। ननंद, सास और हस्बैंड का नाम एक बार फिर बताएंगे। हस्बैंड का नाम तबरेज है, सास का नाम वंगू है और ननंद का नाम फिरदौस है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।